अभी एक सज्जन आए थे, वो बता रहे थे कि भैया बिहार में मोतियाबीन का बहुत असर है, मोतियाबीन नहीं मोतियाबीन। कह रहे थे कि मोतियाबीन में भैया दूर का चीज नहीं दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है, लेकिन बिहार में जो मोतियाबीन हो गया है तो बिहार के आदमी को पाकिस्तान दिखाई देता है, चाइना दिखाई देता है, अपने गली का टूटा हुआ रोड नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने के मोतियाबीन से भी निकले के बाद अपराध वाला जो जंगल राज था उसको भी वापस नहीं लाने देना है, और जो अफसरशाही का नया जंगल राज नीतीश कुमार ने बनाया है इसका भी समापन करना है, तीनों को खत्म करना है, तीनों से निकलना है और जनता की सरकार बनानी है। प्रशांत किशोर का नहीं, इसका नाम है, इसको दिल में बैठाइए, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, लालू जी का नहीं, नीतीश जी का नहीं, जनता का, बिहार के जनता का सुंदर राज होना चाहिए, जिसको सब लोग मिलकर चुन देंगे। और आप देख रहे हैं मंच पर बैठे हुए बहुत लोगों को आप जानते हैं, बहुत लोग को आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये समाज से मथ कर निकाले हुए लोग हैं, जो निचले स्तर पर जब मैं पैदल चला हूँ, लोगों से मिला हूँ, तो लोगों ने बताया है भैया ये आदमी है जो समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है या करने का जज्बा रखते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग पश्चिम चंपारण अकेले में, वो संख्या अभी 5000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे लोगों को मत कर जब निकालेंगे, एक साथ बैठेंगे, इसी से आगे का रास्ता खुलेगा। और आप लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ वोट हो रहा है, डिजिटल वोट नहीं है, इसका रिकॉर्ड भी रखेंगे कि आपने क्या कहा। हर डिस्ट्रिक्ट में ये वोट होगा, जो लोग मिलकर तय करेंगे वही होगा, और जिसको लोग तय कर देगा कि भैया यही आदमी हमारा विधायक का कैंडिडेट होना चाहिए, उसी के पीछे पूरी ताकत शक्ति पैसा संसाधन लगाया जाएगा, और आपके आशीर्वाद और सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे, तभी बनेगा सही मायनों में जनता की सरकार। ठीक है ना, आपकी सहमति है ना। हमने के नया नया काम शुरू कैले बनी जा तो इतना थोड़ा बहुत गलती हो सकेला, लेकिन अपने घर के काम बा तो थोड़ा बहुत गलती होके तो मैं सहयोग करी, ओकरा के क्रिटिसाइज मत करी, आलोचना बहुत मत करी, व्यक्तिगत तौर पर मिलिए तो जरूर सुझाव दीजिए, लेकिन नई व्यवस्था जब आप बनाने निकलते हैं तो उसमें कठिनाइयां आएंगी, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। मैं सोच समझ कर आया हूँ, चाहे 2 बरस लगे कि 10 बरस, इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। और आप देखिए अभी तो 1.5 महीना भइल बा, यहाँ से लेके दिल्ली तक छटपट छटपट कर रहा है, ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है, हमको धंधेबाज कह रहा है, तो हम भैया धंधेबाज हैं, जनता का ठेका ले लिए हैं, अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है, जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है, आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए।